दिनांक 31 जुलाई 2021 को जनपद बाराबंकी के अंतर्गत सिरोली गौसपुर ब्लॉक के ग्राम लालपुर मजरे भरतीपुर में पूर्व में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि डॉक्टर सतनाम चौहान द्वारा आयोजित स्वागत समारोह किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी के हरदिल अजीज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। डॉक्टर सतनाम चौहान अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने अपना पर्चा वापस लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इस स्वागत समारोह में आए हुए जनमानस को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद गोप जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर सतनाम चौहान और उनके साथ आए सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हैं। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। आप जुझारू और संघर्षी साथी हो, आपके आने पर पूरे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाले 2022 के चुनाव में समाज को छोड़कर पार्टी को मजबूत करें ताकि अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके, ताकि पिछड़े और दलितों का सम्मान बढ़ेगा और गरीब किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी तथा यूपी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। डॉक्टर सतनाम चौहान की पार्टी में अपनी आस्था रखने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों में जोहरा खातून, मोहम्मद अंसार, मोहम्मद निहाल, मोहम्मद रईस, मुन्ना, मोहम्मद इकराम, राम निवास वर्मा, गुड्डू, खादी जुगाड़ी, गयासुद्दीन, सपना चौहान, प्रीति, डॉक्टर मंजीत आदि तमाम लोग बीडीसी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद लोगों में पूर्व विधायक राम गोपाल रावत, रामनाथ मौर्य, इंतकाम आलम, नोमानी हर्षमत अली, गुड्डू, आकाश यादव, विनोद यादव, अमरेंद्र सिंह, बबलू पारस चौहान, शिवकुमार यादव जी, वीके सिंह, आदिल खाजमी, राकेश सिंह, गुफरान मिर्जा, वासिम एडवोकेट, अलादीन प्रधान, संजय चौहान प्रधान, प्रदीप शर्मा, अर्जुन चौहान, दिलीप कुमार आदि भी लोग उपस्थित रहे। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए बाराबंकी से पंकज दीक्षित की खास रिपोर्ट। इसके चुनाव रिजल्ट आने पर अखिलेश यादव जी करेंगे। याद रखना, जीवन में बड़ा वही होता है जिसका मन और दिल बड़ा होता है। आदमी चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पे आएगा, उसका मन नहीं बड़ा, दिल नहीं बड़ा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। समाजवादी पार्टी चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, बड़े मन का नेता है। तो अखिलेश यादव जी को मजबूत करिए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री, तो गरीब किसान नौजवान का काम होगा। जैसे हर चुनाव में पोलिंग जीता है, अब क्या जाता होटल से जीता भी हो। और मैं डॉक्टर साहब आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने आपके बीडीसी सदस्य आपके साथ थे, जो समाजवादी पार्टी का समर्थन किए, हमें जिताने का काम किए, एको का कोई काम रुकने नहीं पाएगा। और जब रुकेगा हमसे बताना, क्योंकि समाजवादी पार्टी बाराबंकी में एक साथ एकजुट होकर काम करती है। और जब एक साथ रहोगे, एकजुट रहोगे, तो हर अधिकारी आपका काम सुनेगा, हर नेता आपका काम सुनेगा। एकजुट रहो, एक साथ रहो। कहते ना, वन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। समाजवादी पार्टी सरकार बनानी है, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये संकल्प लेके यहां से जाना। कहां के पारस चौहान? अच्छा, सामने सब लोग मिल के काम करिए। पारस सूरत के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर साहब के साथ संबंध रिश्तेदारी भी कुछ है। तो अंत में आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई। जो कार्यक्रम मेरा कहीं और लगा था, लेकिन पहले हमारे लिए कार्यकर्ता होता है। डॉक्टर साहब ने कल काम कहीं, चलो कलह रख लो, यहां कोई उधार काम नहीं होता, तुरंत कल ही हम कल कलह जी पे। आज हम आपके बीच में हैं। आप भरोसा यकीन रखिए, आओ प्रधान, आप भरोसा यकीन रखिए कि पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है। ना आप कभी अकेले थे, न कभी अकेले रहेंगे। और जिसके साथ समाजवादी पार्टी है, बड़ा भागशाली आदमी है। हमने कई मौकों पर कहा, नेता पार्टी साथी का चुनाव एक बार होना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी में आए हैं, आपका पार्टी में बहुत स्वागत है। लेकिन एक चीज चौहान साहब याद रखिएगा, जब तक अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 22 में नहीं बना लेंगे, चैन और सुकून से नहीं बैठेंगे।